नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में सभी 14 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने पहुंचकर प्रशस्ति पत्र लिया और सह सम्मान अपना काम भी संभाल लिया है। सुल्तानपुर में समाज सेवी सोनम किन्नर की अगुवाई में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय कर्मचारियों की तरफ से कोचिंग संचालकों का उत्पीड़न किए जाने के मामले में डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। साथ ही उत्पीड़न खत्म हो इसके लिए डीएम रवीश गुप्ता को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। अमेठी में संग्रामपुर विकास खंड के 34 गरीब जोड़ों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराई गई। मौके पर वहां विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में कोविड टीकाकरण के दौरान सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसका एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों ने मास्क नहीं पहना है और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। अमेठी के पुलिस कार्यालय गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने वहां आए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामायण कालीन प्रसंगों पर आधारित मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। आपको बता दें कि राम कथा कुंज में बन रही मूर्तियों का निर्माण सीता हरण प्रसंग तक पूरा कर लिया गया है। रामपुर के पारंपरिक परिधानों को पुनर्जीवित करने की कवायद में डूडा के शहरी क्षेत्रों में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की तरफ से बनाए गए परिधानों को रजा लाइब्रेरी परिसर में प्रदर्शन और फोटो शूट करवाया गया। मौके पर कई लोग वहां पर मौजूद रहे। चंदौली के सैद राजा थाना क्षेत्र में मौजूद नेशनल इंटर कॉलेज में फीस के मामले पर भयंकर लूट मची हुई है। वहीं मामले पर गार्जियन की शिकायत पर विद्यालय प्रांगण पहुंचे सपा के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और फीस कम करने की बात भी कही। सिद्धार्थनगर में दरदुमरियागंज से शाहपुर मार्ग अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। यहां की सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं कि लोगों का यहां से चलना भी दूभर हो गया है। गोंडा में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने विकासखंड परसपुर की ग्राम पंचायत प्योले में बने पंचायत सचिवालय की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम ने जनता दर्शन में मिले इस शिकायत के बलबूते ही अधूरे कार्य को पूरा कराने की बात कही है। बलरामपुर में उतरौला क्षेत्र में सावन के पांचवें दिन भोलेनाथ का दूध दही शहद चीनी गंगाजल से स्नान करवाया गया। मौके पर बाबा मयंक गिरी पिंटू गिरी अमन गिरी समेत कई भक्तगण वहां पर मौजूद रहे। हल्द्वानी में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त और मृत्यु होने के बाद जो पद मृत घोषित हो रहे हैं वो जल्द ही पुनर्जीवित हो जाएंगे। साथ ही खाली पड़े संविदा और स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा। भदोही में महिला उत्पीड़न और रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेशी हुई। मौके पर वहां कई लोग मौजूद रहे। महोबा के कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के पनवाड़ी विकास खंड में गायों का बुरा हाल है। गाय सड़क पर भटकती हुई नजर आ रही है। वहीं करोड़ों की लागत से बनाए गए गौशालाओं की हालत भी बद से बदतर हो चुके हैं।